का भी दर्शन कर लिया है। अभी इधर आओ, इधर आओ, अभी इधर आओ, शिला का भी दर्शन कर लिया है। और हर हर महादेव, हर हर महादेव, हमारे बाबा वहाँ पे हैं, वहाँ पे हैं, वहाँ पे। तो गाइस देख सकते हो पाँव। गरीब रुके थे और अभी मौसम ठीक गया है। पहले प्रसादी ले लेते हैं, उसके बाद देखते हैं लाइन कितनी बड़ी है। जितनी बड़ी लाइन है दूरी, तो हम लोग को दर्शन करके आज ही निकलना है। तो अभी हम लोग प्रसादी लेने जा रहे हैं। तो काफ़ी लंबी लाइन है, यहाँ पे देख सकते हैं पूरा लंबी लाइन है। आज दर्शन हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि सुबह से बारिश हो रही थी। तो अभी बारिश जब रुका तो हम लोग नहा धो के दर्शन के लिए निकले हैं। तो देखते हैं कहाँ पे हैं हमारे भोलेनाथ। हर हर महादेव, देख सकते हैं हर महादेव, हर महादेव। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अकाश बकास। और आप लोग देख रहे हैं अकाश बकास यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो फाइनली हम लोग बाबा केदार जी के प्रांगण पे हम लोग खड़े हैं। तो ये सुबह का टाइम है, तो अभी हम लोग दर्शन के लिए निकल रहे हैं। और मेरे पीछे हैं बाबा श्री केदारनाथ। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे बाबा केदारनाथ जी हैं। तो अभी हम लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो पहले दर्शन करते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। हर 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 महादेव। हम लोगों ने तिलक भी लगा लिया है और अभी फाइनली हम लोग बाबा केदारनाथ के टेम्पल के सामने हैं। और तिलक भी लगा लिया है और शंकर ने भी लगाया, अभी आकाश भी लगा रहा है और हम लोगों ने ये माता जी से लगाया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा नज़ारा, यहाँ का माहौल, यहाँ का माहौल इस तरह से। हर हर महादेव। हम चारों ने इसी दुकान से हम लोगों ने प्रसादी लिया था, ये हम लोगों का प्रसादी हो गया। और ये शंकर ने भी ले लिया प्रसादी, ये संजय ने भी ले लिया, आकाश ने भी ले लिया प्रसादी।
तो हम लोगों ने इसी दुकान से हम लोगों ने प्रसादी लिया था। तो अगर आप लोग आते हैं तो इसी दुकान से प्रसाद ले सकते हैं। तो ये मंदिर के ठीक फ्रंट साइड में ही है, ये देख सकते हैं। तो आप लोग आने से इसी दुकान से आप लोग प्रसादी ले सकते हैं। हम लोग मंदिर के बैक साइड में हैं, वो अभी हम लोग सभी प्रसादी ले लिया है। वो देखते हैं दर्शन के लिए जा रहे हैं क्या होता है। लाइन भी बहुत लंबी है और अभी हम मंदिर के बैक साइड में हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मौसम खुला था, अभी देख सकते हैं फिर से अचानक मौसम खराब हो गया है और चारों तरफ बादल छा गए हैं। ये देख सकते हैं एक ही पल पूरा बादल छा गए हैं। दर्शन हो चुका है, चाय वगैरह भी ले लिया है। तो अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे घर बाबा के दर्शन करेंगे और उसके बाद हम लोग गौरी पूजा के लिए निकलेंगे। अभी हम लोग फिलहाल बाबा केदारनाथ जी के प्रांगण पे ही हैं। तो यहाँ पे लिखा है दक्षिणा बाबा केदारनाथ जी और यहाँ पे नाम टेस्ट सा। तो ये दक्षिणा हम लोग अभी शाम पात्र पर डाल दिया है और आप लोग श्रद्धालुओं में जितने भी आप लोगों ने लगाया है सबको बाबा केदारनाथ जी का आशीर्वाद मिले और आप लोग ने जो भी सोचा है हमने वो बाबा के साथ अभी दर्शन हो चुके हैं, बाबा के दिव्य दर्शन कर चुके हैं और आशीर्वाद भी ले चुके हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं भीमशिला की तरफ। तो बहुत ही आनंद मिला बाबा के दर्शन, दिव्य दर्शन करने के बाद बहुत ही आनंद मिला और पवित्र हो गया मन। हर 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 महादेव, जय श्री केदार। तो अभी हम लोग भीमशिला की तरफ जा रहे हैं। वो जितने लोगों ने दक्षिणा दिया था बाबा केदारनाथ जी के लिए, तो वो दक्षिणा हम लोगों ने ये दान पात्र में डाल दिया है और बाबा केदारनाथ जी से आशीर्वाद भी मांगे हैं लोगों के लिए, तो ये दान पात्र में हम लोगों ने डाल दिया। ये है भीमशिला, ये है वो दिव्य भीमशिला जो 2013 के आपदा पर बाबा श्री केदारनाथ जी को नुकसान होने से बचाया था। तो अभी हम लोगों ने भीमशिला का भी दर्शन कर लिया है। अब इधर भीमशिला का भी दर्शन किया है और हर हर महादेव। वो भीमशिला का भी हम लोग ने बाबा केदारनाथ जी का भी दर्शन कर लिया है, दिव्य दर्शन, और भीमशिला का भी दर्शन हो चुका है।
और अभी हम लोग जा रहे हैं आदि गुरु शंकराचार्य के दर्शन के लिए। तो हम लोग का दर्शन सफल हो गया है, हर हर महादेव। और हम लोग का दर्शन सफल हो गया है, धन्य हो गया हम लोग, हो गया है धन्य हो गया हम लोग। तो अभी यहाँ आदि गुरु शंकराचार्य के आशीर्वाद के बाद हम लोग जाएंगे भैरव बाबा के वहाँ जाके हम लोग भैरव बाबा से आशीर्वाद लेंगे। तो अभी जा रहे हैं आदि गुरु शंकराचार्य जी के दिव्य दर्शन के लिए। शिवलिंग बनाते हैं पत्थरों से, ये देख सकते हैं, ये शिवलिंग पूरा यहाँ पे पत्थरों से शिवलिंग बनाते हैं, ये देख सकते हैं शिवलिंग। अमृत तुलसी अमृत जल आप लोग ले सकते हैं इस तरह से, 10 रुपया देंगे तो ये अमृत कुल है। तो अभी हम लोगों ने अमृत कुल से अमृत जल भी ले चुके हैं, ये देख सकते हैं अमृत कुल से अमृत जल भी हम लोगों ने ले चुके हैं। तो एक्चुअली ये गामुसा दिया था असम का लड़का, 1000 यूट्यूब चैनल है उसका नाम एक्चुअली हृदय है, तो वो भुरेश्वर का है, इसलिए ये दिया था केदारनाथ में देने के लिए बाबा को चढ़ाने के लिए। तो मैं ये चढ़ाने जा रहा हूँ बाबा को। और असम का लड़का आपको भी दें, बाबा भोलेनाथ जी का आशीर्वाद है और आपको भोले बाबा का आशीर्वाद सदा बने रहे। बता दूं कि बाबा केदारनाथ जी का दर्शन करना इतना आसान नहीं है, आप लोग को बहुत कष्ट बहुत तकलीफों के साथ आपको बाबा केदारनाथ जी के दर्शन मिल पाएगा। और बाबा केदारनाथ जी जब भी बुलाएंगे तभी आपको दर्शन मिलेगा, नहीं तो आप जितने भी कोशिश कीजिए लाख कोशिश कीजिए लेकिन आपका दर्शन नहीं होगा। जब जब बाबा का बुलावा आएगा तब तब आपको मंदिर में बाबा के दर्शन के लिए जैसे भी हो जिसी हालत में आपको बाबा का दर्शन मिल जाएगा। ये जो सामने दिखाई दे रहे आपको ये विशेष पूजा कार्यालय है, तो यहाँ पर भी आप लोग आके विशेष पूजा कर सकते हैं। एक आदमी का 2100 रुपया लेते हैं यहाँ पे, तो आप लोग को अगर विशेष पूजा करवाना है तो आप लोग यहाँ पे आके पूजा कर सकते हैं। और यहाँ पे 2100 रुपये लेके आपको टिकट मिलेगा, पर्ची मिलेगा, वो पर्ची लेके आपको अंदर जाना है तो आप लोग विशेष पूजा करवा सकते हैं।
करो बाबा के दर्शन के लिए। तो गाइस एकदम अचानक मौसम बदल जाता है, तो अभी मौसम खुल गया था लेकिन फिर से बारिश शुरू हो चुका है। भैरव बाबा के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मंदाकिनी, ये है मंदाकिनी नदी। ये पुल क्रॉस करके अभी हम लोग बाबा भैरवनाथ जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो अभी हम लोग जाएंगे बाबा भैरवनाथ जी के दर्शन के लिए। अभी हम लोगों ने पुल पार कर लिया है, तो अभी हम लोग जाएंगे बाबा भैरवनाथ जी के दर्शन के लिए। अभी हम लोग जाएंगे बाबा भैरवनाथ जी के दर्शन के लिए। जय बाबा भैरवनाथ, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। जय बाबा भैरवनाथ। ऐसे इधर क्या खबर हो चुका है कि पल पल में वेदर चेंज हो रहा है। लास्ट ईयर तो हम लोग जब दर्शन के लिए आए थे तो ऐसा नहीं था, वेदर पूरा खुला था। तो हम लोग वहाँ से आए थे बाबा भैरवनाथ जी के दर्शन के लिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं इस तरह से, क्या ऊपर है। और एक बात ध्यान रखिए आप लोग, जब भी बाबा केदारनाथ जी के दर्शन के लिए आते हैं तो भैरव बाबा का दर्शन जरूर कीजिए। अगर आप भैरव बाबा का दर्शन नहीं करेंगे तो आपका जो ये केदारनाथ यात्रा है वो कभी भी सफल नहीं होगा। इसीलिए आप केदारनाथ आने से भैरव बाबा का दर्शन जरूर कीजिए। तो वहाँ पे हैं भैरव बाबा, देख सकते हैं। तो अभी थोड़े ही दूर हैं भैरव बाबा, तो हमको कुछ ही पैदल चलने के बाद भैरव बाबा के दर्शन होंगे। और साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं, और वहाँ है हमारे भोलेनाथ, वो देखिए वहाँ पे हैं, वहाँ पे बैठे हैं हमारे भोलेनाथ। वहाँ पे बैठे हैं हमारे भोलेनाथ, देख सकते हैं वहाँ पे सामने। चलते हेली सर्विस अभी बंद है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पीछे, ये है हेली सर्विस, हेलीपैड। और साथ ही देख सकते हैं ये बेस कैंप, सभी आपको GNVN के टेंट कैंप और रूम मिल जाएंगे। आप अगर केदारनाथ आते हैं तो GNVN के वेबसाइट पे जाके आप रूम बुक कर सकते हैं। अभी धीरे धीरे मौसम आ गया, बारिश रुक गई है लेकिन फॉग शुरू हो गया है।
लोग पहुँचने वाले हैं भैरव बाबा के मंदिर, और वेदर देख सकते हैं थोड़ा खराब हो चुका है। अचानक मौसम पूरा खराब हो चुका है। यही है बाबा का घाटी का, जो बाबा केदार घाटी का दृश्य। मौसम अचानक बदल चुका है और यही एक दिव्य शक्ति है बाबा केदारनाथ जी की। वो चाहे तो पल भर में बारिश, पल भर में बादल, पल भर में तूफान ला सकते हैं, तो यही उनका एक दिव्य चमत्कार है। फाइनली हम लोग भैरव बाबा मंदिर पहुंच चुके हैं। बाबा जनपद पूरा मौसम खराब हो चुका है। ये देखिए, जय भैरव बाबा, जय भैरव बाबा। तो फाइनली भैरव बाबा टेम्पल पहुँच चुके हैं। गैस ऊपर इतना ठंडा है, मेरा हाथ मैं सूख कर नहीं सका है, मेरा हाथ जकर गया है। फिर अभी मैं हूँ बाबा भैरवनाथ जी के टेम्पल पर पहुँचाते हैं और भैरवनाथ जी के आशीर्वाद लेते हैं, उनसे प्रणाम करते हैं। तो गैस चलिए चलते हैं भैरव बाबा के दर्शन के लिए। जय भैरव बाबा, यहीं पे हैं हमारे भैरव बाबा। जय भैरव बाबा, आशीर्वाद मिले और आप लोग खुशी रहे, आप लोग जो हमने सोचा है सब सभी पूरा हो, और भैरव बाबा का आप लोगों आशीर्वाद है। देख सकते हैं भैरव बाबा, आप लोग जब भी केदारनाथ यात्रा के लिए आते हैं तो भैरव बाबा का दर्शन जरूर कीजिए। अगर केदारनाथ यात्रा आने के आने से आप लोग अगर भैरव बाबा का दर्शन नहीं करते तो आप लोग का यात्रा सफल नहीं होगा। तो इसीलिए आप लोग जब भी केदारनाथ आते हैं तो इसीलिए आप लोग जब भी केदारनाथ आएंगे भैरव बाबा का दर्शन जरूर कीजिए, तभी आपको यह यात्रा सफल होगा। और भैरव बाबा का दर्शन हो चुका है और बहुत ही आनंद मिला भैरव बाबा के दर्शन करके, और साथ ही बाबा केदारनाथ जी के दर्शन करके बहुत ही सुकून, बहुत ही आनंद मिला। तो अभी हम लोग नीचे जाएंगे, और आप सभी जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे फैमिली हैं, सभी को भैरव बाबा के आशीर्वाद मिले। और बाबा भैरवनाथ जी की कृपा बनी रहे। तो चलिए अभी नीचे चलते हैं कि हम लोगों का दर्शन हो चुका है बाबा भैरवनाथ जी का भी, और साथ ही केदारनाथ जी का भी। तो नीचे जा रहे हैं, नीचे अपना सामान रखा है वहाँ पे, बैग वगैरह, तो वहाँ से बैग वगैरह लेके हम लोग सीधे अभी नीचे गोरीकुंड के तरफ चलेंगे। ना घाटी पे मौसम बहुत ही खराब हो चुका है, पूरा पल पल भर में मौसम बदल रहा है, बारिश और फॉग इतना लगा है ना बता नहीं सकते, ठंड और ठंड इतना है ना। ये हाथ देखिए, ऐसा लग रहा है हाथ ही नहीं है। तो ये देख सकते हैं वेदर, पूरा वेदर खराब हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं। और ठंड भी बहुत लग रही है, तो अभी हम लोगों को नीचे जाना है।
मौसम पूरा चेंज हो चुका है, तो ये देख सकते हैं ये मौसम पूरा करवट बदल रही है पल पल भर में, और पूरा ठंड लग रहा है अभी। केदार घाटी की यही खासियत है, कब मौसम बदल जाए किसी को पता नहीं है। यही भोलेनाथ की लीला है, अपरंपार, यही भोलेनाथ जी की, यही बाबा केदारनाथ जी की लीला है। कब क्या हो जाता है ये सिर्फ बाबा भोलेनाथ जी और केदारनाथ जी को पता है, और बाकी हम लोग तो भक्त हैं, दर्शन के लिए आते हैं, बस इतना ही है। हर हर महादेव। सुंदर संगम है, एक अद्भुत संगम, तो ऊपर भैरवनाथ, बीच में माँ मंदाकिनी, और नीचे है श्री केदारनाथ जी। हर 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 महादेव। तो गाइस बहुत ही अच्छा लग रहा है ये यात्रा, बहुत ही इंजॉयफुल रहा, बहुत ही कठिन भी था, लेकिन कठिनाई को तोड़ के हम लोग बाबा केदारनाथ जी और भैरवनाथ जी का सफल दर्शन हो चुके हैं, और साथ ही ये यात्रा भी सफल हो चुका है, क्योंकि ये यात्रा सफल होने के पीछे तो ये यात्रा भोलेनाथ जी के कृपा से आज सफल हो चुका है। मैं बहुत ही धन्य हूँ बाबा, मैं बार बार आपके शरण में आता रहूँ, आशीर्वाद दीजिए, मैं आपके दर्शन के लिए बार बार हर साल अगर मौका मिले तो मैं हर साल आपके चरण स्पर्श करने आपके केदार घाटी पे तुरंत पहुंच जाऊं। तो बाबा आशीर्वाद दीजिए, ऐसे ही मैं हमेशा आपको श्रद्धा भक्ति और आपके चरण कमल पे अपना दो हाथ जोड़ के अपना शीश रख के मैं आपको हर दिन को हृदय से मैं आपको लगा के रखूं, और आपको पूजा सेवा जितना हो सके मेरे तरफ से मैं आपको करता रहूं। हर हर महादेव। मैं फाइनली नीचे पहुंच चुका हूं, तो मेरे पीछे बाबा भैरवनाथ जी, और अभी हम लोग जा रहे हैं बाबा केदारनाथ जी के मंदिर परिसर की तरफ, वहां से अभी हम लोग बैग सब उठाएंगे, उठाने के बाद अभी हम लोग नीचे जाएंगे। हम लोग नीचे उतर रहे हैं, बाबा का दर्शन हो चुका है, तो अभी हम लोग नीचे उतर रहे हैं। तो बाबा आशीर्वाद दीजिए, अगले साल फिर मौका मिले आपके दर्शन के तो जरूर आएंगे, मौका मिला तो आप बुलाएंगे तो जरूर, तो जरूर आएंगे, आप बुलाए हम दौड़े चले आएंगे आपके दर्शन के लिए। हे भोलेनाथ, कृपा बने रहे इस भक्त के ऊपर। तो अभी हम लोग नीचे की ओर जाएंगे गौरीकुंड, अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे गौरीकुंड, और गौरीकुंड से हम लोग हरिद्वार के लिए जाएंगे। देख सकते हैं मेरे पीछे एक विशाल काय ओम, जो केदारनाथ परिसर से थोड़ी ही दूरी पे ये आपको मिलेगा, तो ये देख सकते हैं कितने बड़े ओम बनाया गया है। तो अगर आप लोग केदारनाथ आते हैं तो ये ओम पे आके जरूर दर्शन कीजिए, एक बार देखिए, ये विशाल का ओम बनाया गया है, देख सकते हैं मेरे पीछे। ये यहाँ पे देख सकते हैं केदारनाथ मंदिर पहुँचने से पहले ही एक यहाँ पे मंदिर है, यहाँ पे हरा हरा महादेव बम भोले बोलने से यहाँ पे पानी के बुलबुले निकलते हैं। तो हम लोग भी यहाँ पे देखते हैं बम बम भोले। बम बम भोले, ये देखिए बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, ये देख हर हर महादेव, हर हर
शरीर पे यहाँ पे पानी के फवारे छोड़े हैं। बम बम भोले हर हर महादेव, यहाँ पे बोलने से पानी के बुलबुले निकलते हैं। साक्षात भोलेनाथ के यहाँ पे दर्शन हो गए। यहाँ पे आप लोग भी आने से यहाँ पे इस मंदिर पे आके आप लोग एक बार बम बम भोले हर हर महादेव बोल के देखे। यहाँ पे पानी के बुलबुले यहाँ पे निकलेंगे, एकदम साक्षात भोलेनाथ बैठे हैं यहाँ पे। ये यात्रा सफल हो गया, अगले बार बाबा बुलाएंगे तो फिर से ज़रूर आएंगे बाबा केदारनाथ जी के दर्शन के लिए। धन्य हो गया, ये मेरा यात्रा सफल हो गया। तो गाइस वीडियो कैसा लगा, ये मेरा केदारनाथ ब्लॉग, केदारनाथ यात्रा ब्लॉग कैसा लगा। तो मैंने आप लोगों के लिए ही लास्ट ईयर भी मैंने केदारनाथ के दर्शन के लिए आया था और फुल वीडियो शूट किया था, लेकिन मेरा दिल्ली पे मोबाइल चोरी हो गया था, तो इसीलिए मैंने आप लोगों को केदारनाथ यात्रा ब्लॉग में दिखा नहीं पाया। लेकिन इस बार मैं फिर आया हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों के रिक्वेस्ट पर। गाइस वीडियो अच्छा लगा तो ये ब्लॉग केदारनाथ ब्लॉग अभी हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए हर 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 महादेव। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक देखते रहिए आकाश बगदास यूट्यूब चैनल।